भाई तकरीबन मैं एक हफ्ता अपने घर से बाहर नहीं निकला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज एक हफ्ते के बाद तकरीबन मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एक ही हफ्ता तकरीबन हो चुका है मुझे घर में ही लेटे हुए, क्योंकि सेहत नहीं ठीक, इसकी वजह से बाहर बहुत ही ज़्यादा था। आज तकरीबन कुछ ठीक हुआ, गला भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था तो आज तकरीबन कुछ ठीक हुआ हूँ। तो आज बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा बाहर जाने का। तो एक हफ्ता हो चुका मुझे घर में लेटे हुए, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता था, तो मेरा एक हफ़्ता इधर घर में गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो आज कुछ सेहत बेहतर है, लेकिन सोचा कि अपना व्लॉग स्टार्ट किए कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके, तकरीबन एक हफ्ता ही हो चुका है। तो और साथ आप लोगों को बाहर का व्यू चल के दिखाता हूँ, काफ़ी दिन के बाद आप लोगों को व्लॉग में नज़र आया हूँ। और मैं भी कुछ बाहर चल के देखता हूँ, क्योंकि बाहर का माहौल देखेंगे तो कुछ सेहत और बेहतरीन हो जाएगी। तो इसीलिए तो आज बहुत ही दिन के बाद मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि कितने दिन हो चुके हैं तो अभी तक व्लॉग नहीं आया, तो मेरी सेहत नहीं ठीक, इसीलिए मैंने अपना व्लॉग नहीं स्टार्ट किया। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो गाइस फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो बाहर की हालत में ज़्यादा खाना नहीं खा सकता था, तो इसीलिए थोड़ा ही खाया। तो अभी बाहर चलता हूँ, बाहर का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि एक हफ़्ता हो चुका है मुझे भी घर में, तो मैं अभी घर में बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। अभी बाहर चलता हूँ, बाहर का कुछ व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ और बाहर का माहौल, क्योंकि बाहर का माहौल में जब मैं जाऊँगा तो कुछ और बेहतर हो जाऊँगा। तो अभी बाहर चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अभी बाहर आया हूँ, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी और ताज़ा हवा इस टाइम चल रही है। तो ऊपर आसमानों पर बादल छाए हुए हैं, तो आज फिर लगता है रात को बारिश होगी। कल रात को भी बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद मौसम हो जाता है बिल्कुल ठंडा। अब मौसम पहले से कुछ हो चुका है चेंज, तो इसलिए बाहर अभी मैं आया तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हवा। तो वैसे भी इस तरह बाहर आन के मेरा वीडियो बनाने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि नेचुरल आवाज़ें, अपने आप पहले लोग काम पर लगे हुए हैं, कुछ लोग डंगर चारने के लिए, तो कुछ अभी बकरियां वगैरह चारने के लिए। तुम किधर आए हुए? तुम डंगर चारने के लिए आए? तो कितने हैं तुम्हारे पास डंगर? तीन। तीन भैंस हैं? एक मज, एक कट्टा और एक छोटी कट्टी। तो तुम तीनों चार लेते हो? नानी चारती है। अच्छा, नानी चारती। तुम तुम बकरियां चारते हो? बकरियां कितनी है तुम्हारे पास? दो बकरियाँ बस? ठीक हो। तो ये दोनों हैं तुम्हारी? नहीं, तुम्हारी बकरियां दूर हैं। अच्छा, तो तुम इधर से दौड़ते आ रहे थे, क्या करने जा रहे? बकरियां भाग गई थी? गाइस तकरीबन मैं एक हफ़्ता अपने घर से बाहर नहीं निकला, तो अब मैं इस टाइम बाहर निकला हूँ तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो बहुत ही ठंडी ठंडी और ताज़ी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी मेरे पास एक बच्चा आया, इस बच्चे के साथ थोड़ी बहुत ही गप शप लगाते हैं, अपना जहन फ्रेश करते हैं। फाइनली अभी मैं और ये छोटा बच्चा एक बन्ने के ऊपर बैठ चुके हैं, क्योंकि इधर ताज़ी हवा और फ्रेश हवा चल रही है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था घर जाने को, तो मैं इधर ही इस बच्चे के पास बैठ गया। तो इस बच्चे से कोई थोड़ी बहुत ही गप लगाते हैं। तो ये बच्चा लाहौर से है? लाहौर से आए जी। तो कितने अरसा लाहौर में रहे हो आप? तीन साल। तीन साल के बाद इधर इसके नानके हैं, तो ये नानके में छुट्टियां थी तो इधर घूमने के लिए आया। तो तुझे गांव का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, तो गांव में ज़्यादा मज़ा आता है या शहर में रहने का? गांव में। तो गांव की ताज़ा हवाएं और जानवर वगैरह देखने और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और जो फसलें वगैरह होती हैं और खुले आसमान में रहना, शहर में तो बंद वगैरह तो ये खेल नहीं सकते। इधर इसके अभी तकरीबन इसको 15 दिन हुए हैं इधर आए हुए, तो इसके ना गांव के सारे जितने बच्चे इसके एज के सारे इसके दोस्त बन चुके हैं, ऐसे ही बात है ना जी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको जी। तो अब आपने कितने दिन और इधर रहना है? तीन साल या अभी इधर रहना है? वो लोग नहीं वापस जाना? तो अभी ये इधर ही रहेगा, क्योंकि ये लाहौर से अलविदा कह के आ चुका है।
तो अभी इधर इसने स्कूल में एडमिशन लेना है। लाहौर में आपको ज़्यादा मज़ा आया आप जहाँ 3 सालों में, जहाँ इधर 15 दिन में आपको गाँव में ज़्यादा मज़ा आया? गाँव में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गाँव में ज़्यादा मज़ा आया, चलो अच्छी बात है। तो अब इसको ना इसके मामू ने बकरियां ले के दी हुई हैं तकरीबन, और इसका एक बड़ा भाई है उसको मज्जे चारता और ये ने बकरियां चारता। इसको कोई ऐसा वैसा नहीं, अब स्कूल भी जाता है, लेकिन ये अपने शौक़ की वजह से, इसका मामू कहता है यार तुम पढ़ाई करा करो, लेकिन ये नहीं करते, ये अपने शौक से साथ ना बाहर बकरियों को लेके आते हैं, क्योंकि जब शहर के बच्चे आते हैं उनको शौक़ होता है ना जैसे काम करने का। तो अभी इस बच्चा भी ऐसा, ये देखो कैसे माहौल के साथ बैठा हुआ। अभी गाइस मैं चलता हूँ घर में, तो ताकि कोई घर में वगैरह काम करने वाला तो वो कर लूँ, क्योंकि अभी तो इधर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। दिल तो नहीं कर रहा घर वापस जाने का, लेकिन जाना तो है ना, क्योंकि उधर वगैरह कोई काम शाम होगा तो वो कर लें, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे काम करने होंगे। तो मौसम चेंज हो चुका है तो नई फसलें लगानी होगी, तो पैलियाँ भी अभी खुशक हो रही हैं, लेकिन रात को जब बारिश होती है तो उसके बाद न धूप निकल आती है दिनें मतलब तकरीबन। तो गाइस फाइनली मैं अभी घर आ चुका हूँ, तो सुबह का मैंने बस ब्रेकफास्ट किया, काफ़ी ज़्यादा बाहर घुमा, ताज़ी हवा में बहुत मज़ा आया, लेकिन अभी थकावट हो चुकी है और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो भूख लगी हुई थी तो खाने पीने का कुछ नहीं दिल कर रहा, तो मैंने अभी गर्म किया है दूध तकरीबन, ये दूध ताज़ा और फ्रेश दूध भैंस का जो ना मैंने थोड़ी देर ही पहले चुवाया था, और उसके फौरी बाद मैंने इसे गर्म किया और अभी इसको ना पीने लगा हूँ। तो फ़िलहाल मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, तो इस टाइम मैं अपने व्लॉग का करता हूँ एंड। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।